या बातमीचे प्रायोजक आहेत ओंकार प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। शेती उपयोगी साहित्य, शेती संबंधी साहित्य आणि इतर साहित्य होलसेल दरात मिळण्याचे जुन्नर तालुक्यातील एकमेव ठिकाण। गोंदिया शहरात शिंदे कॉलनी या ठिकाणी एका माथे फिरूने दारूच्या नशेत घरामध्ये लाठी घेऊन प्रवेश केलाय। घराच्या वर चढलाय आणि घराच्या वरून खाली उडी मारण्याचा प्रयत्न करत असताना घरातील महिलांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी फोन करून माहिती दिली असता माजी नगरसेवक यांनी याविषयी गोंदिया शहर पोलिसांना माहिती दिली। माजी नगरसेवक यांनी पोलिसांच्या आणि परिसरातील लोकांच्या सहाय्याने संबंधित माथे फिरूला खाली उतरवला आहे व पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले। आता हा माथे फिरू कुठून आला आणि कसा आला आणि घरात कशाला शिरला याविषयी पोलीस तपास करत आहेत। सर मैं गया था बैंक, मुझे घर से फोन आई मेरे मैसेज की एक कोई घुस गया डंडा लेके बड़ा घर में। तो मैं आया तो ये हमारे घर के ऊपर एकदम टॉप टेरेस पे चढ़ गया था। उसको मैंने बहुत समझाया नीचे उतर पर वो नीचे नहीं उतरा। फिर हमारे मोहल्ले के और भैया लोग आए सामने तो उनके साथ में हमने उनको नीचे उतारे। बोला कि तेरे को पैसे चाहिए क्या, खाना वाना खाएंगा क्या, बोल नीचे उतर, पर वो उतरने को नहीं देख रहा था नीचे। पुलिस को फोन किए, मुझे मोहित थारोन जी का फोन आया कि भैया हमारी बिल्डिंग के ऊपर में एक कोई आदमी घुसा हुआ है, एक्चुअली ड्रिंक किया क्या किया समझ में नहीं आ रहा है, वो खुद नहीं कोशिश कर रहे वहाँ पे। तो मैंने सुरेंद्र साहब को मैंने फोन करके पहले इतला दी क्योंकि मैं मंदिर में था, आसपास के परिसर के लोग फिर वहाँ पर इनके साथ मदद कर उनको ऊपर चढ़े और जब उसको देखे तो वो ड्रिंक के माहौल में था और एकदम से उठपटी बातें वो कर रहा था। तो पुलिस डिपार्टमेंट के खाते से आकर उसको अभी जस्ट यहाँ से लेके गए। पुलिस थाने से हमने फोन किया सुरेंद्र साहब को, बट लेकिन वो खुद नहीं कोशिश कर रहा था। न्यूज रिपोर्टर चेतन समरीत, आज 24 तास, गोंदिया। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राइब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स। तसेच आज 24 तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा, लाईक करून, कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअर सुद्धा करा।